इस बीच एक और बड़ी खबर है, उद्धव ठाकरे से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर है। महाराष्ट्र संकट पर उद्धव ठाकरे से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर। सूत्र कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ अगर फैसला आता है तो उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे देंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट फ्लोर टेस्ट कराने से रोकता नहीं है तो उद्धव ठाकरे फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं करेंगे। ये इस वक्त सूत्र कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आया कि नहीं फ्लोर टेस्ट होगा तो फिर उद्धव ठाकरे फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं करेंगे। और ये लॉजिकल भी लगता है दीपेश, क्योंकि फ्लोर टेस्ट अगर होता है तो जितना कॉन्फिडेंट बीजेपी है या एकनाथ शिंदे का खेमा है, नंबर तो नहीं है उद्धव ठाकरे के पास। जी बिल्कुल, एक तरह से अगर जो स्थिति अब तक स्पष्ट हो गई है कि एकनाथ शिंदे गुट जो है वो भाजपा के साथ जाएगा और भाजपा की ओर से ही वो फ्लोर टेस्ट में उतरने वाले हैं, तो एक तरह से स्थिति को भांप लिया है उद्धव ठाकरे ने कल जो उनके साथ क्या होने वाला है। और फिलहाल फ्लोर टेस्ट में जाके और एक बार हार का सामना करना और एक बार कहीं खुद की किरकिरी कराना, ये किरकिरी कराना नहीं चाहते महाविकास आघाड़ी सरकार, और शायद इसीलिए उन्होंने ये निर्णय लिया है। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि अगर सहयोगियों को थैंक यू कहना, दूसरी बात फिर औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलकर शिव और संभाजी नगर करना, और उसके बाद फिर ये सूत्र कहते हुए कि ट्रस्ट वोट का वो सामना नहीं करेंगे, बहुत कुछ यहां पर कहता है पीयूष। लेकिन पीयूष, जहां पर आप खड़े हैं सब कुछ वहीं से तय होगा। अभी क्या अपडेट वहां से मिल रहा है और कब तक माने कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला इस बारे में आ सकता है? नीरज किशन कौल जो एकनाथ शिंदे की तरफ से पेश हुए हैं वो दलीलें दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और इसके बाद सॉलिसिटर जनरल राज्यपाल की ओर से पेश होकर के दलीलें देंगे। चूंकि इस मामले में सीधे तौर पर राज्यपाल के आदेश में हस्तक्षेप करने की बात की गई है, और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फैसले हैं अभी तक 1992 का हो और या फिर कर्नाटक का फैसला हो या फिर हालिया 2016 का एक महत्वपूर्ण फैसला था जो अरुणाचल प्रदेश के मामले में दिया गया था, या फिर एसआर बोम्मई का फैसला हो, सभी फैसलों में राज्यपाल के कार्य क्षेत्र में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया गया है। यानी कि फ्लोर टेस्ट का अगर कोई आदेश राज्यपाल की ओर से दिया गया है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें रोक नहीं लगाई। चलिए अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है, क्या वहां से निर्देश आता है, इस पर सबकी नजर टिकी है। बहुत शुक्रिया आपका पीयूष, बहुत शुक्रिया दीपेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में फिलहाल जमीन पर उद्धव ठाकरे के साथ कितने विधायक हैं ये समझिए, और यही पर सारा गेम है। उद्धव के साथ शिवसेना के 17 विधायक हैं, एनसीपी के 53 विधायक हैं, कांग्रेस के 44 विधायक हैं, अन्य 10 विधायक हैं, यानी उद्धव के पक्ष में कुल 124 विधायक दिखते हैं। लेकिन 124 पे बहुमत नहीं है, ये बहुमत के आंकड़े 144 से कम है। वही उद्धव के खिलाफ सदन में बीजेपी के पास खुद 106 विधायक हैं, शिंदे गुट के 50 विधायकों को जोड़ लीजिए जिसमें शिवसेना के 39 बागी और निर्दलीय शामिल हैं, 7 अन्य विधायक भी उद्धव के खिलाफ हैं। ये संख्या जोड़ें तो ये बहुमत के पार जाती है 163, 163। और यही से समझ में आता है कि बहुमत किसके पास आता दिखता है। लेकिन ये सब तय होगा फ्लोर पर, और फ्लोर टेस्ट होगा कि नहीं ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगी, जहां पर अभी मामला सुनवाई चल रही है।